हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। सो अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वह सत्य है, अर्थात ये सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहां तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था ना सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तो भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य बहुत ही विशेष भगवान का रूप है। कुछ लोग कभी कभी ऐसा मान लेते हैं ना कि ये जैसे भगवान श्री कृष्ण का रूप है, ये मनुष्य रूप है। ये वास्तव मनुष्य रूप नहीं है। इसे भगवान कृष्ण जो है वो कपट मनुष्य में गिलाते हैं, ये मनुष्य है नहीं। ये तो हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं अरे ये तो हम लोग क्योंकि मनुष्य है ना, तो हमने फिर क्या मान लिया उनको, वो भी ऐसे मनुष्य है, दो हाथ ये है और दो पांव नाक ये बोले क्या नहीं, तो क्योंकि हम वैसे है ना, इससे हमने उनको वैसा मान लिया। जैसे कि ऐसे गुरुजी हैं आजकल जो यूट्यूब है वही बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं इसलिए आपने मनुष्य मान लिया। अगर बैल से पूछोगे भगवान कैसे दिखते हैं, बैल जैसे दिखते हैं, और कुत्ते से पूछोगे तो बताए कुत्ते जैसे दिखते हैं। तो बेसिकली जो जैसा व्यक्ति होता है वैसा अपने आप अपने रूप को लेकर के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है, पर असल में उसका तो कोई रूप है ही नहीं। कैसी बात लगी आपको? अरे भाई साहब इतनी गधे जैसी बात बोली। तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यानी कि अपने अपने आप अपने मॉर्फ को भगवान के ऊपर प्रोजेक्ट कर देना। अच्छा सर नरसिंह भगवान ये किन का प्रोजेक्शन है? चलो भगवान कृष्ण को तो हमने ले लिया, चलो ये मनुष्य रूप है इनका। ना 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 जी, हमारा असल में भगवान का चीफ भगवान वाला रूप है। भगवान का ओरिजिनल रूप तो वही है, लेकिन हमारा उनका पायरेटेड कॉपी नेहरू प्लेस वाला ये हमारा वाला रूप है, पायरेट कॉपी वाला ना, सॉफ्टवेयर विंडोज एनटी स्लैश 2000 स्लैश एक्सपी स्लैश स्लैश, तो वो हम लोग हैं पायरेटेड कॉपी। तो भगवान का ओरिजिनल रूप यही है, लेकिन कुछ ऐसे रूप हैं जो कि दुनिया के अंदर भी आते ही नहीं, मतलब उनकी रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है जी? नहीं हो सकती, असंभव। तो वैसे एक रूप है भगवान नरसिंह का। कभी कभी लोग क्या करते हैं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को लेकर के चलते ही बताने के लिए कि देखो हमारे शास्त्र बड़े साइंटिफिक हैं, जिस जिस तरह से उसके अंदर हम देखते हैं कच्छ अवतार और उसके अंदर मत्स्य अवतार इत्यादि हुए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हम देखते हैं देखिए जैसे जानवर पशु के रूप में आ गए हैं, और नरसिंह भगवान एक्सक्यूज मी नरसिंह भगवान इज नॉट सिंह, वो चार पांव थोड़े ना चल रहे हो। अगर हम ये लेके चले कि ना दशावतार ये हमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बता रहा है, ये नरसिंह भगवान कहां से आएंगे जी बीच में, ये कौन सा एवोल्यूशन, ये कौन सी स्टेज आई ऐसे भाई, वो बीच में स्टेज बीच में इंसान था, चेहरा उसका पशु का था, नीचे जो था वो इंसान था, ऐसा कौन सा रूप हुआ। सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रमाणित करने के लिए, हमारे शास्त्रों को प्रमाणित करने के लिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का सहारा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का सहारा नहीं चाहिए अपने शास्त्र को प्रमाणित साबित करने के लिए। ना ऐसा नहीं है जी, हमारे शास्त्र जो है वो तो शुद्ध है और उनमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, अपौरुषेय है। लेकिन कभी कभी ऐसा माना जाता है, लेकिन ना लेकिन भगवान श्री नरसिंह रूप, अरे भगवान का अद्भुत रूप है ये, और ब्रह्मा जी की सृष्टि का है ही नहीं, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज, ये कौन सा है भाई, ये तो 84 लाख योनि में ऐसा तो कोई रूप होगा ही नहीं, असंभव है ये। तो इस प्रकार से भगवान जो है अद्भुत रूप लेते हैं। आदि रूप में नरसिंह भगवान कहां रहते हैं, गोपाल चंपू के अंदर बता रहे हैं श्री जीव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण का जो नंद महाराज का जो आंगन है जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो उनके घर के बाहर क्या सिंह द्वार है, तो ये जो सिंह द्वार है ये वहां पर नरसिंह भगवान रहते हैं। नरसिंह भगवान ऑल्सो रिलिशियस बाल गोपाल पास टाइम्स ऑफ कृष्ण, वो भी रिलिश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण लीलाएं तो उनके अवतार भी रिलिश करते हैं। तो नरसिंह भगवान भी कहां पर उपस्थित हैं, नरसिंह भगवान तो नंद महाराज के आंगन के बाहर जो सिंह द्वार है वहां पर उपस्थित है। वाह, अच्छा इस जगत में कैसे आते हैं नरसिंह भगवान, यहां पर आते हैं तो नरसिंह रूप स्वीकार करते हैं, और शास्त्रों के अनुसार वो पूर्ण अवतार भी है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र भी पूर्ण अवतार है, उस तरह से नरसिंह भगवान ही पूर्ण अवतार माने जाते हैं नरसिंह भगवान। कुछ पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि नरसिंह भगवान भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार है। जिस तरह सुदर्शन चक्र क्या करता है, सब प्रकार के अवरोधों को नष्ट कर देता है, जितने विलेन होते हैं उनको हटा देता है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान भी सब प्रकार के अवरोधों को नष्ट करने वाले हैं। बल्कि साथ ही शास्त्र ये बताता है कि ये बताते हैं कि अगर जिस प्रकार से गणेश जी के अंदर ये शक्ति आती है कि वो विघ्नहर्ता है, लेकिन विघ्नहर्ता होने की शक्ति उनमें कहां से आई, ये विघ्नहर्ता होने की शक्ति उनको भगवान नरसिंह देव से प्राप्त होती है। तो सब प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं भगवान श्री नरसिंह देव। और प्रभुपाद जी ने जब देखा कि प्रचार प्रसार बड़ा फैल रहा है, तो ईर्ष्यालु लोग भी होंगे जो प्रसन्न नहीं होंगे इस कौन के प्रचार प्रसार से,
तो फिर ऐसे लोग कोई ना कोई अवरोध भी डालेंगे। तो ऐसे अवरोधों को नष्ट करने के लिए नरसिंह भगवान हमारी मदद के लिए आएंगे। तो शुरुआत कैसे हुई, एलए में जब रथ यात्रा का जब सारा फेस्टिवल था, जब उसमें किसी आक्रांतक व्यक्ति ने बम फोड़ा और कुछ भक्तों को थोड़ा सा चोट भी आई, प्रभुपाद ने कहा देखो अभी इस तरह के लोग आएंगे जो कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से ईर्ष्या करेंगे, तो इससे रक्षा करने के लिए, रक्षा प्राप्त करने के लिए हमको भगवान श्री नरसिंह देव की शरण में जाना चाहिए। और फिर श्री प्रभुपाद जी ने सबको नरसिंह आरती सिखाई, और नरसिंह आरती वो रिकॉर्डिंग में आज भी है, प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दाइने, प्रभुपाद जी उनको सिखा रहे हैं कि अब से हम हर एक आरती के बाद नरसिंह आरती गाया करेंगे, ताकि अंदर से भी रक्षा हो, बाहर से भी रक्षा हो, अंदर से भक्तों के आपस में कहीं मनमुटाव ना हो जिसकी वजह से कोई अवरोध आए, और बाहर से आक्रमण ना हो जाए, तो इसीलिए बाहर के आक्रमणों से भी रक्षा करनी है इस्कॉन की, तो इसीलिए नरसिंह आरती निश्चित रूप से हमारी रक्षा करती है। इसलिए होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हमने देखा है रात को कितने थके हों, कितने ही थके हों, लेकिन महाराज नरसिंह स्त्रोत पढ़ करके सोते हैं, ताकि इस्कॉन की रक्षा हो, भक्तों की रक्षा हो विद इन इस्कॉन, अंदर जो भक्त हैं हमारे, जो अनर्थ है आपस में भिड़ा करके हम कुछ कला कलेश ना कर लें, अनर्थ तो लेके हम घूमते हैं भाई, सो इसलिए अंदर से भी रक्षा हो और साथ ही बाहर से भी रक्षा हो, सो इसके लिए हम, इसलिए हर एक आरती के बाद फिर नरसिंह आरती को गाते हैं। इनफैक्ट नरसिंह भगवान की पेंटिंग देख करके प्रभुपाद जी समय देवज सम ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, उन्होंने देखा नरसिंह भगवान है उनके गोद में यहां लेटा हुआ है वो व्यक्ति, और उसको फाड़ रहे हैं वो, उसके आंते जो है भगवान के गले में, व्हाट इज दैट, भक्तों ने बताया दैट्स गॉड, गॉड, ओह माय गॉड, यस ही इज योर गॉड, यस। तो टूरिस्ट बड़े घबरा गए भगवान का ये रूप देख कर के, तो भक्तों ने जाके बोला प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद इन्हें वो टूरिस्ट आए ना वो घबरा गए थे नरसिंह भगवान को देख करके, तो वो पेंटिंग वहां से हटा दे, प्रभुपाद ने करना पेंटिंग वही रहनी चाहिए, प्रभुपाद ने पेंटिंग वही लगाए रखी, सो इट वॉज देयर। इनफैक्ट एक बार एक बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी आए थे हमारे मंदिर में, उन्होंने देखा बड़ी सी तस्वीर नरसिंह भगवान की, और चल रहा है ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, ये देखिए वो बुद्धिस्ट होते हैं बड़े शांत होते हैं, वो बुद्धिस्ट बड़े शांत रहते हैं, वो ये देखकर, ये तो शांति का बिल्कुल उल्टा है, तो बहुत घबरा, व्हाट इज दैट, भक्तों ने बताया दैट्स गॉड, नो थैंक गॉड, इन आवर फिलोसफी देयर इज नो गॉड, बुद्धिस्ट फिलोसफी इज एथियस्टिक फिलोसफी, नास्तिक फिलोसफी है, सो पर लेकिन हाँ इस प्रकार से भगवान के दर्शन करके निश्चित रूप से लाभ तो बुद्धिस्ट को भी मिलेगा, तो इसलिए भगवान का जो रूप है ये बहुत ही अद्भुत रूप है, और नरसिंह भगवान का इस्कॉन में विविध कई प्रकार से उनका रोल रहा है, जैसे मिस्टर नायर, मिस्टर नायर हुआ खलनायक नंबर वन, नाम था नायर, वैसे उन्होंने उनका नाम होना चाहिए मिस्टर खलनायक, तो बहुत दिक्कत दे रहे थे ये भाई, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को वो ना उसके पैसे दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और नए नए उसके अंदर क्लॉज डाले जा रहे हैं, इसमें ये क्लॉज नहीं है, इसमें वो क्लॉज नहीं है, इस तरह से बिकॉज उनका प्लान ये था भक्तों से पैसे ले लूंगा, और पैसे लेने के बाद उसके बाद इस जमीन को किसी होटल वाले को भेज दूंगा, उनसे भी पैसा कमा लूंगा, एक ही जमीन दो बार तीन बार बिक गई, इसके पहले एक और कंपनी को बेचा हुआ था भाई साहब ने, इस कौन को ही बेचा उसी जमीन को, और आगे जाके किसी और को बेचने का प्लान में था, बदमाश नंबर वन। तो काफी बातचीत द्वारा हो गई थी, प्रभुपाद जी दत्तमाल कृष्ण महाराज के साथ भी गए थे मीटिंग के लिए, अपने गुरु जी को लेके आए थे, ये सब हो चुका, मतलब फाइनली सब इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने सोच लिया था कि मैं अब बस कल आऊंगा और राधा राज बिहारी को बाहर कर दूंगा, अब ये तो हद हो गई थी। प्रभुपाद जी ने बोला था आई विल बिल्ड योर टेम्पल, राधा राज बिहारी को आई विल बिल्ड योर टेम्पल, और ये भाई साहब राधा राज बिहारी को बाहर करेंगे। तो बस फिर अगले दिन खबर आ गई कि मिस्टर नायर तो निपट गए, शरीर छोड़ दिया जी उन्होंने, तो भक्तों ने आकर बताया श्री प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद और मिस्टर नायर ना जो आज आने वाले थे काम करने के लिए वो निपट गए। प्रभुपाद जी ने बोला मेरी नरसिंह भगवान से बात हो गई थी। मतलब प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड भी क्या है, मतलब सुपारी के लिए चुना भी किसको, नरसिंह भगवान, मतलब क्या क्या भक्ति होगी, मतलब प्रभुपाद जी की भी, क्यों ये तो सीधे नरसिंह भगवान को कहता है हम किसी और से काम में चलाएंगे, कौन हमारा कौन काम करेगा, नरसिंह देव कर दो बस हो जाएगा काम, हो जाएगा सत्यम विधान तुम निजे भाषित, मेरे भक्त ने बोल दिया जी अब तो काम करना है मिस्टर नायर का जी। हाँ
तो इस प्रकार से मिस्टर नायर वो भी निपटे, उन पर कृपा हुई, लेकिन हाल ही देखा जाए तो बड़ा सौभाग्य की बात है, मरे भी किनसे, भगवान नरसिंह देव से। वाह क्या बात, अद्भुत, वंडरफुल। तो इनफैक्ट जब श्री प्रभुपाद जी की तबियत भी खराब हुई थी 60s में, लेट 60s में, तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को ही बोला था, यू प्रे टू लॉर्ड नरसिंह देव दैट द मिशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर इज येट नॉट कंप्लीट। अभी हमारे मेरे गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव का जो मिशन है भक्ति का प्रचार प्रसार करने का, वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप कृपा करके उनको अच्छा स्वास्थ्य दें, ऐसे। और नरसिंह भगवान का जो रूप है, सो नरसिंह तापनी उपनिषद के अंदर आता है किस प्रकार से भगवान का रूप मिला जुला रूप है, और दो एक्सट्रीम क्वालिटीज भगवान श्री नरसिंह देव के रूप में उपस्थित है। वैसे दो अपोजिंग क्वालिटीज एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन अपोजिंग क्वालिटीज जो कि साथ में ब्लेंड नहीं करेंगे किसी भी साधारण व्यक्ति के अंदर, लेकिन वो उपस्थित है, तो वो भगवान नरसिंह देव के अंदर उपस्थित है। सो गोपाल, सो नरसिंह तापनी उपनिषद भी है, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद है, ऐसे एक नरसिंह तापनी उपनिषद है, उसके दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, इस प्रकार से है। हमने तो सुना हुआ है ना, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सरतो मुखम, ये तो हमने सुना हुआ, राइट। अब इसका एक और वर्जन भी है, वो है उग्रम अनुग्रम वीरम अवीरम विष्णु अविष्णु ज्वलंतम अज्वलंतम सर्वतोमुखम असर्वतोमुखम। ये किनके बारे में है? नरसिंह तापनी उपनिषद है, तो कौन से, किनके बारे में होगा ये? नरसिंह भगवान के बारे में। सो उग्रम, ये उग्र भी है, लेकिन किसके प्रति? हिरण्यकशिपु के प्रति। अच्छा, लेकिन अनुग्रम भी है, लेकिन सौम्य भी है, किसके प्रति? प्रहलाद के प्रति। प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा करके नरसिंह भगवान उनको वात्सल्य भाव से चाट रहे, मतलब भगवान जिस रोल में आते हैं उस रोल को पूरे शिद्दत से निभाते हैं। सो अफेक्शन भी अगर दिखा रहे हैं, स्नेह दिखा रहे हैं, तो चाट करके, और उनके सर पे ऐसे हाथ रखा, उनके सर पे ऐसे हाथ रखा, तो भगवान नरसिंह देव के जो नाखून है वो बाहर आ रहे हैं, ओके, जिनसे अभी भी काम किया है हिरण्यकशिपु का, तो ये नाखून उनके ऐसे बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं किया, नहीं तो प्रहलाद महाराज को हर्ट हो जाएगा, उनके नाखून चुभ जाएंगे, नाखून ऐसे रखे। लेकिन शेर का जो ये वाला पार्ट होता है बड़ा गूदे वाला होता है, तो गूदा वाला पार्ट है, सॉफ्ट वाला पार्ट है भक्तों के लिए, और जो भक्तों के खिलाफ कोई कार्य करेगा, उनके विरुद्ध को कार्य करेगा, उनके लिए है ये नाखून। लेकिन भक्तों के लिए कौन? भक्तों के लिए वाला पार्ट, सॉफ्ट वाला पार्ट। जय श्री श्री राधा राधिकमन जी की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो इसलिए उग्रम अनुग्रम, उग्रम है किसके लिए? उग्रम है हिरण्यकशिपु के लिए, लेकिन वही नरसिंह भगवान अनुग्रम सौम्य है भक्त प्रहलाद के लिए, तो उनको चाटते भी हैं। अच्छा, और कैसे हैं? वीरम अवीरम, वेरी ब्रेव। ब्रेव किसके सामने है? हिरण्यकशिपु, उसके सामने भगवान नरसिंह देव ब्रेव। ऐसे भगवान नरसिंह देव की जब उसने धार सुनी थी ना हिरण्यकशिपु ने, उसकी ताकत तो वही निकल गई थी, क्योंकि ऐसी धार, वाह, वो धार से ही व्यक्ति आधा हो जाए। अब ये तो एक मनुष्य की धार है, वो भी नकली धार, तो सोचिए असली नरसिंह भगवान की असली धार वो क्या होगी, माय गॉड। सो ही इज वीरम, बट लेकिन अगेन, लेकिन अवीरम उनके, लेकिन लड़ना वाला भाव इनके प्रति नहीं है, प्रहलाद महाराज के प्रति ना रहना, तो उनके प्रति बहुत ही टिमिड है। अच्छा, साथ ही विष्णु अविष्णु, विष्णु मतलब विकराल रूप धारण किया हुआ है नरसिंह भगवान ने, किसको मारने के लिए? हिरण्यकशिपु को। बल्कि भगवान ने इतना विकराल रूप लिया था, भगवान का कितना विकराल रूप है, हिरण्यकशिपु का आसन ही 275 फीट लंबा था आसन, ही वॉज ह्यूज। लेकिन यह है विष्णु, ही वॉज ह्यूज, ये तो उससे भी ज्यादा ह्यूज, इतने ह्यूज कि बीच में जब नरसिंह भगवान ने उनके ऊपर प्रहार किया, तो हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह देव के नाखून में आ गए वो, और नरसिंह भगवान यहां देख रहे हैं उनको, यहां वहां देख रहे हैं, कहां गए उनके नाखून में वो, तो उसके बाद वो बाहर आया वो, तो विष्णु, लेकिन अविष्णु किसके लिए? प्रहलाद महाराज के लिए, अविष्णु। तो उनके लिए भगवान ने अपना छोटा रूप ले लिया, बराबर वाले रूप में आ गए, जिससे उनको गोद में बिठा सके प्रहलाद महाराज को। सो अविष्णु, ज्वलंतम अज्वलंतम, ज्वलंतम किसके लिए? हिरण्यकशिपु के लिए, लेकिन अज्वलंतम प्रहलाद महाराज के लिए। सर्वतोमुखम, यहां देखते हैं वहां देखते हैं, कहां गया वो,
तो ही इज लुकिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, किसको ढूंढ रहे हैं, कहां है वो हिरण्यकश्यपु। लेकिन प्रह्लाद महाराज के ऊपर सर्वतोमुखम नहीं, असर्वतोमुखम, उनको गोद में बिठा करके उनको देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं, असर्वतोमुखम। सो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज वैसे जगत के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन उनके अंदर है। जो भरत मुनि है उन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा, कश्मीर में लिखा था उन्होंने नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के अनुसार व्यक्ति दोनों आंखों में अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं ला सकता। जो इस आंख में एक्सप्रेशन है वो इस आंख में आएगा, अगर गुस्सा आएगा तो दोनों आंखों में आएगा, आंसू आएगा तो दोनों आंखों में आएंगे, या अगर अगर आंसू अगर आएंगे तो दोनों ठंडे आएंगे, आएंगे तो दोनों में गर्म आएंगे। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आर्टिस्ट भी हुए दुनिया के अंदर, लेकिन वो दोनों आंखों के अंदर अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं ला सकता। आप करके देखिए एक बार, इस आंख में गुस्सा लेके आइए, इस आंख में सौम्यता, कर ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि भगवान है, नरसिंह देव तो भगवान है, तो इसीलिए उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। उनकी ये आंख हिरण्यकश्यपु को देख रही है और इसमें इतना क्रोध है, बहुत क्रोध है, बड़ी बड़ी आंख है और घूर घूर के देख रहे हैं उसको इस आंख से, और इस आंख से प्रह्लाद महाराज को देख रहे हैं, और इसमें सौम्यता है बल्कि इसमें आंसू है कि अरे मेरे भक्त प्रह्लाद ने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ सहा है। तो दोनों आंखों में अलग अलग एक्सप्रेशन, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने ये अद्भुत रूप लिया, बहुत ही अद्भुत रूप, जो कि वास्तव में जगत के अंदर कोई मनुष्य नहीं ले सकता। और क्या अद्भुत है भगवान नरसिंह देव के अंदर? नरसिंह देव जैसे हम आरती गाते हैं, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत शिंगम, भला अद्भुत शिंगम क्यों है जी? तव कर कमल, कर कैसे उनके? कमल के समान। अच्छा, कर कमल। अच्छा, और वो कैसा है? हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु इज वेरी हार्ड, और यूजली क्या होता है, हमेशा एक हार्ड चीज सॉफ्ट चीज को फाड़ देती है। भृंगम, भृंग जैसे भंवरा होता है, भंवरा जो है कमल के पत्ते के अंदर करके पत्ते को फाड़ दे, पत्ते के अंदर चला जाए, तो हार्ड चीज सॉफ्ट चीज को फाड़ देती है। लेकिन आज उल्टा हो गया, तब कर कमल वरे नखाम, सॉफ्ट ने हिरण्यकश्यपु जो कि हार्ड है, सॉफ्ट ने हार्ड को फाड़ दिया। अद्भुत श्रृंगम, ये है अद्भुत श्रृंगम। ऐसे कैसे हो गए? सॉफ्ट ने हार्ड को फाड़ दिया, और यूजली कोई हार्ड के ऊपर कोई सॉफ्ट चीज टिक सकती है, लेकिन सॉफ्ट के ऊपर हार्ड कैसे टिकेगी? जैसे मंदिर जब बनता है ना, मंदिर की फाउंडेशन जब बनती है, इट शुड वेरी स्ट्रांग, इसके ऊपर जितने फ्लोर बनाने होंगे उतनी ज्यादा फाउंडेशन स्ट्रांग करनी पड़ती है, स्ट्रांग। लेकिन भगवान के हाथ है कर कमल, लेकिन नाखून थंडरबोल्ट, तो ये नाखून जो कि इतने कठोर है वो सॉफ्ट हाथों में लगे हुए हैं, उनका आधार एक सॉफ्ट चीज है हाथ, कर कमल, अद्भुत श्रृंगम, ये अद्भुत श्रृंगम है। साथ ही अद्भुत श्रृंगम इसलिए भी क्योंकि ये जो रूप है, ये रूप तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आज तक कभी हुआ ही नहीं है, ये कैसा रूप है? अद्भुत श्रृंगम। लेकिन ये अद्भुत श्रृंगम लिया क्यों है भगवान ने? ये लिया है अपने भक्त के लिए, प्रह्लाद महाराज के लिए। भगवान प्रकट भी कहां से हो गए हैं? भगवान प्रकट हो गए पिलर से। इसके लोग बोलते हैं ना, भगवान हमेशा ऊंचे कुल में क्यों पैदा होते हैं, नीचे कुल में क्यों नहीं आते? अच्छा, ये नरसिंह भगवान कौन से कुल में हुए जी? खंबा कुल, ये कौन सा कुल होता है? तो भगवान सब प्रकार के सामाजिक, ये कुल, ऊंचा कुल, नीचा कुल, ऊंची जाति, नीची जाति से परे, भगवान तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो भगवान पिलर से आए। तो सत्यम विधातुम निजवृत्ति भाषितम का यही मतलब भी है कि वास्तव में वैसे तो भगवान सब और हैं, लेकिन फिर भी भगवान पर्सनली प्रेजेंट थे पिलर के पीछे। तो विश्वनाथ चक्रधारी बोलते हैं कि ना, वास्तव में नरसिंह भगवान पिलर के पीछे से झांक के देख रहे थे कि कौन से पिलर में प्रह्लाद महाराज बोलेंगे कि हां भगवान तो इस खंभे में भी हैं, तो जिस खंभे में बोलेंगे तो मैं दौड़ करके उस खंभे के पीछे आ जाऊंगा। तो वैसे भगवान सब और प्रेजेंट भी हैं, येट भगवान पर्सनल भी हैं। तो इसलिए भगवान खंभे के पीछे देख रहे थे, कौन सा खंभा बोलते हैं, कौन सा खंभा, ये वाला खंभा, वाला खंभा, वाला खंभे, अच्छा वाला खंभा लग रहा है, वहां जाता हूं। क्या तेरे प्रभु इस खंबे में भी है? हां जी, इस खंबे में भी है। सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम, भगवान दौड़ करके उस खंबे के पास में आ गए। तो जैसे उस पे दिया प्रचंड वार किया तो अंदर से निकले नरसिंह भगवान। तो भगवान पिलर से प्रकट हो सकते हैं, हां जी भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, यस। तो इसलिए ऐसे जो अब्राहमिक रिलीजन है उनका तो ये मानना है कि खुदा बस ऊपर ही रहता है, वो जन्नत में रहता है, वहां पर, यहां पर तो भगवान है नहीं। तो जितने प्रॉफिट्स हैं वो ये बताते हुए खुदा तो जन्नत में ही है,
खुदा तो इज ओनली इन हेवन, गॉड इज ओनली इन हेवन, और गॉड इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो. जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे ना ऊपर स्पेस में, तो किसी ने पूछा सर आप वहां से वापस आए ऊपर भगवान दिखे आपको, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ ये माना था ऊपर के बादल होंगे खूब सारे, उनमें ऐसे गद्दी लगा कर बैठा होगा भगवान, उनको काम वाम धोगा होगा, उसके बाद बेचारा पॉपकॉर्न खा रहा होगा वहां पर भगवान, ये सच अ बोरिंग लाइफ. तो नील आर्मस्ट्रांग से पूछा, उसके पसीने छूट गए थे, भगवान ये भगवान तो ऊपर दिखे नहीं, उन्होंने लगा था वहां ऊपर कहीं होते भाई, चांद के आसपास पहुंचते देखते ए भगवान नील आर्मस्ट्रांग. कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जी. तो भगवान तो वास्तव में इस जगत में भी व्याप्त हैं, लेकिन इस जगत के नहीं होते. द लॉर्ड कम्स टू मटीरियल वर्ल्ड बट नॉट मटीरियली. भगवान संसार में आते हैं लेकिन संसारिक नहीं हो जाते भगवान. सो भगवान पिलर में भी हैं, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. बल्कि नरसिंह भगवान की ये लीला को याद किया था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, कि भगवान आप तो खंभे से प्रकट भी हो गए थे, ये मेरे पास आप शिलाएं हैं, मेरे पास तो शालिग्राम शिलाएं, इनसे प्रकट हो जाओ ना, जो आप तो आ ही सकते हो पत्थर से, तो आप प्रकट हो जाओ. तो फिर उनमें से जो एक मेन शिला थी वो प्रकट हो गई राधा रमण जी के रूप में. तो ये नरसिंह चतुर्दशी का ही उत्सव था, जिसमें कि उनमें ये इच्छा आई थी कि जब भगवान आप पिलर से आ सकते हो, जब उससे प्रकट हो सकते हो, तो फिर इन शालिग्राम से प्रकट हो जाओ, मैं भी तो आपको श्रृंगार करूं, सब इतना श्रृंगार करते हैं आपका, मैं कैसे श्रृंगार करूं. तो ये नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव था, जिसमें फिर राधा रमण जी ने अपना प्राकट्य किया कि ओके मेरी भक्ति बड़ी इच्छा है, ठीक है बिल्कुल पिलर से भी आ सकते हैं, तो हम शालिग्राम तो फिर साक्षात भगवान का प्राकट्य रूप है ये, तो बिल्कुल आ सकते हैं. लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि हमेशा पिलर से ही प्रकट होते हैं. पुराणों में एक और वर्जन भी आता है कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए, ब्रह्म मुहूर्त प्रकट होकर के भगवान घूमते रहे, घूम रहे थे, देख रहे थे ये हिरण्यकश्यपु का महल और कहां पर मेरा भक्त प्रहलाद कहां पर है ये देख रहे थे. ऐसे करते हुए जब घूमते घूमते फिर जब संध्या वेला आई तो भगवान एकदम उसके सामने प्रकट हुए हिरण्यकश्यपु के सामने और फिर उसका वध कर दिया. तो ऐसा नहीं भगवान हमेशा खंभे से ही निकलेंगे, भगवान को आना हो भगवान तो कहीं से भी आ सकते हैं जी, भगवान के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कहीं से प्रकट हो सकते हैं. ऐसे एक और जो कथा आती पुराणों के अंदर वो है कि एक समय एक भक्त थे, भगवान नरसिंह देव के भक्त थे, उनका नाम था विश्वक्सेन. अब विश्वक्सेन नाम के जो भक्त थे इनके पास एक गांव का एक हेड प्रीस्ट आया जो कि शिव जी का भक्त था. गए विश्वक्सेन आज मेरा सरदर्द है, आज मेरा शिवलिंग है, इनकी पूजा उपासना कर दे. उन्होंने बताया कि ना मैं वैसे करता पूजा उपासना करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो शिव जी भी पूजनीय है, लेकिन ना मेरे को ना अभी भगवान नारायण की पूजा के लिए जाना है. रे बोल रहा ना पूजा कर तो कर, ठीक है वो धमका रहे तो ठीक है ओके. तो उन्होंने वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी, लेकिन पूजा अर्चना शुरू की लेकिन भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की पूजा अर्चना शुरू की उन्होंने, तो ये मानते हुए कि शिव जी जो है उन्हीं के अवतार हैं, भगवान ही गुणा बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी पूजा उपासना की. अब ऐसी पूजा उपासना जब वो कर रहे थे तो इस ये जो ब्राह्मण था इसने सुन लिया, कहते तू यहां दूध इनको चढ़ा रहा है और नाम उसका ले रहा है. तो उसने क्या किया, उसने तलवार निकाल करके भक्त को मारना चाहा, विश्वक्सेन को मारना चाहा. तो जब वो ऐसा करने वाले थे तो उस वक्त विश्वक्सेन जी ने नरसिंह भगवान का स्मरण किया. सो नरसिंह भगवान कहां से निकल के आए, शिवलिंग में से, शिवलिंग जो खुला उसमें से निकले नरसिंह भगवान, और नरसिंह भगवान निकले और वहीं के में उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड. तो भगवान को प्रकट होने के लिए खंभा ही नहीं, वो भगवान तो शिवलिंग से ही प्रकट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी. ऐसी एक और कथा भी आती है पुराणों में ही आती है कथा, जिसके अंदर एक ऋषि थे उनका नाम था उदंग ऋषि, उनकी बेटी थी मालती. मालती जो है बड़ी सुंदर थी. अब ये त्रेता युग आ चुका है, त्रेता युग में बदमाशी कौन कर रहे थे, रावण. और रावण रावण को मतलब रावण खुला फ्लर्टेशियस आदमी है वो, मतलब अगर कोई व्यक्ति लव लेटर लिखे और लव लेटर के ऊपर लिखे हुम सेवर इट मे कंसर्न, ये सिर्फ रावण कर सकता था. वो चाहे उसको तिलोत्तमा मिल जाए, चाहे उसको कोई मिल जाए, वो कोई भाई लड़की होनी चाहिए बस, दैट्स इट. मतलब वो तो स्वाहा स्वाहा करते करते अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को किडनैप कर ले, स्वाहा अरे स्वाहा अग्निदेव है ना माई वाइफ स्वाहा गॉन लस्टी. तो इसीलिए मालती को देखा, मालती इतनी सुंदर, तो जैसे स्त्री को देखेंगे तो उसका रेप करने का है और फिर उसको मार देने का है, दैट इज रावण. तो मालती के साथ भी ये किया,
मालती का पहले रेप भी किया और बलात्कार करने के बाद फिर उसको फेंक भी दिया गोदावरी नदी के अंदर। अब एक घायल अवस्था में ये बहती 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 बेचारी गोदावरी नदी में थी, मूषक के रूप में है, तो उनको दिख गई, अरे ये तो बड़ी घायल अवस्था में है, इनका तो किसी ने वो किसी के साथ दुर्व्यवहार भी किया इनके साथ, उनको लिया थोड़ा उनको सहारा दिया, तो अभी ये होश में आई। जब ये होश में आई और इन्होंने इनसे बातचीत वगैरह करनी शुरू की, तो इंदूरा नाम का जो मूषक था इसके हृदय में काम वासना आ गई। कहते देखो मैं तुमको ठीक तो पूरा कर दूंगा लेकिन तुमको मेरे साथ भोग करना पड़ेगा। कहते अरे क्या भाई, मेरा ऑलरेडी इतना बुरा हाल है, बुरे जिसका ऑलरेडी बुरा हाल है उसके ऊपर तुम्हारा ये भाव है। कहते देखो फिर ठीक है, जो तुम्हें मरो फिर जाओ। अब उनका मेरे को जीवित तो रहने में क्या करूं, अब ये व्यक्ति तो है, ये तो सौदा करने में तुला है। तो फाइनली वो मान गए, तो उनके साथ उनको सहवास करना पड़ा मालती को। अब जब ऐसा हुआ तो अब मालती की कोख में दो व्यक्तियों का बीज है, एक तो रावण का और दूसरा इंदुरा का। तो इसीलिए फिर उनसे प्रकट हुए एक राक्षस, उनका नाम था मूषक दैत्य। सो हिरण्यकशिपु जो है ही केम इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म, मूषक दैत्य। अब वैसे तपस्या वगैरह करने की और शिवजी को प्रसन्न किया, शिवजी को प्रसन्न करके ले लिया कि भाई मैं किसी से ना मरूं। उनका देखो कोई एक्सेप्शन तो देनी पड़ेगी, किसी से तो मरना पड़ेगा, या चलो ठीक है मैं मरूं तो नरसिंह भगवान से मरूं। सत्युग में यार नरसिंह भगवान होके चले गए, अब तो अब नरसिंह भगवान कहां आने हैं। और कहते मैं जी नरसिंह भगवान के अलावा किसी से ना मरूं। ठीक है जी तथास्तु, शिवजी ने आशीर्वाद भी दे दिया, तथास्तु हो गए। बोबड़िया यार अब त्रेता युग आ चुका है, पिछले युग में रहने अपना नरसिंह भगवान आके जा चुके हैं, बस अब कौन मारने वाला हमको जी, अब तो हमारा ही राज। अब इसने ये मूषक दैत्य, ये मूषक दैत्य जो है उसमें इंदुरा की शक्ति भी है, रावण की शक्ति भी है, वेरी वेरी पावरफुल, तो कौन मारेगा। तो ये बात जब पता लगी भगवान श्री रामचंद्र को, तो रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, क्योंकि ये मूषक दैत्य है यानी है चूहा, चूहे को कौन मारता है, बिलौटा, तो उसको बिलौटे को बोलते हैं संस्कृत में मारजार। तो इसलिए तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक विशेष रूप लिया नरसिंह भगवान का, उनको बोलते हैं मारजार नरसिंहा। तो उनका चेहरा जो है वो बिलौटे का है लेकिन शरीर जो है वो सिंह का है। जैसे अभी यहां हिरण्यकश्यपु केस में नीचे मनुष्य रूप लिया है, ऊपर सिंह रूप है लेकिन वो भी अद्भुत रूप, लेकिन उस वक्त यह मारजार का चेहरा और शरीर जो है वो सिंह का। अब ये भागा तब मूषक दैत्य हुजेर एज हिरण्यकश्यपु, ये भागा, इसके पीछे पीछे भगवान। कहता देखो ये चाहिए नरसिंह भगवान मारे, मैं हूं मारजार नरसिंहा, बिलौटे के रूप में आए भगवान। और बिलौटे के रूप में आकर के फिर उनका उनका पीछा किया। अब ये जाकर गंधमादन माउंटेन में जाकर छुप गया, कहते कोई नहीं बाहर तो आ गए तुम। तो इस स्टोरी का एक वर्जन ये भी है कि भगवान श्री राम जी ने वहां प्रतीक्षा की उसकी। दूसरा वर्जन ये भी है कि गंधमादन से वो बाहर निकला, जब वो लगता है वो चले गए हो, तो भगवान उसको पकड़ लिया, उसको फिर उसको बाहर की ओर खींच लिया, बाहर की ओर खींच करके उसके साथ उस खेल खेल करके मारा भगवान ने। आपने आपने कितने लोगों को देखा बिलौटा चूहे को कैसे मारता है, सीधे नहीं मारता वो, मारेगा थापी मारेगा मुंह में लेके अक करके छोड़ देगा। तो हर बार चूहे की स्पीड थोड़ी कम होती आती है बिकॉज वो हर बार पिट रहा होता है, उसको इंस्टॉलमेंट में मारता है बिलौटा। इस तरह से मारजार नरसिंह ने मूषक दैत्य जो कि हिरण्यकशिपु है उन्हीं का एक रूप है, सो ये मारजार नरसिंह रूप में किश्तों में मारा उसको, पहले मारेंगे फिर छोड़ देंगे उसको, फिर वो थोड़ा उठेगा ए, 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 फिर थोड़ा दौड़ेगा फिर पकड़ेंगे उसको, तो फिर उसको थोड़ा दबाएंगे उसके ऊपर कूदेंगे फिर छोड़ देंगे उसको जा, फिर थोड़ा वो आगे जाएगा फिर उसको पकड़ लेंगे फिर पकड़ लेंगे फिर छोड़ देंगे उसको। ऐसे कर करके उसको किश्तों में मारा मूषक दैत्य को। भगवान ने कहा ये तुम्हारी इच्छा थी ना, ये लो जी ऐसे मारो अब तुम। ऐसा नहीं कि उनको पिलर से ही निकलना पड़ेगा, पिलर से निकल करके फिर वो मारेंगे, ना 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 ना, वो जैसे भी किसी को मारना चाहे भगवान कैसे भी मार सकते हैं। तो भगवान मारजार नरसिंह के रूप में आए। तो भगवान कैसे आ सकते हैं, भगवान पिलर से भी आ सकते हैं, भगवान ब्रह्म मुहूर्त से भी आ सकते हैं, भगवान शिवलिंग से भी आ सकते हैं, और भगवान चाहे तो श्री रामचंद्र के रूप में मारजार नरसिंह के रूप में भी आ सकते हैं। और कैसे आ सकते हैं, महाप्रभु की लीलाओं में स्वयं श्री गौरंग महाप्रभु भी नरसिंह के रूप में आ सकते हैं। जब शिवास ठाकुर ने देखा कि ना मुसलमानों का इतना अटैक हो रहा है, चारों ओर से मुसलमान राजा हैं, उनका बड़ा आतंक मचा के रखा है, भक्तों के मृदंग फोड़ देते हैं, उनको धमकियां देते हैं, तो फिर उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति गाई।
जब नरसिंह भगवान की स्तुति गाई उन्होंने, तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण नरसिंह रूप में प्रकट हुए। श्री गौरंग महाप्रभु नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो बोल रहे काय 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 आक्रांतक, कहां है ये यवन जिन्होंने इतना आतंक मचा कर रखा है, जहां मुझे दिख जाएंगे अभी मैं उनको भस्म कर दूंगा, उनको चीर फाड़ दूंगा मैं अभी। वाह वाह, वो देख के जितने भी थे ऐसे मुसलमान लोग जो कि हिंदुओं पे आक्रमण कर रहे थे, ओ भाग लिए। अब ये इनमें तो पूरा आक्रोश है, तो देख के भक्ति घबराए हुए थे। श्री गौरंग महाप्रभु का ऐसा रूप नरसिंह रूप में, अरे भक्त भी घबरा रहे थे। तो फिर उनके स्तुति की, भगवान श्री गौरंग महाप्रभु जी आपसे प्रार्थना है आप गौर सुंदर रूप में ही आ जाइए, बड़ा सुंदर रूप है, ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जगदीश हरि। इनफैक्ट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम जो नरसिंह आरती गाते हैं, हम नरसिंह आरती पता है क्या गाते हैं, हम नरसिंह आरती में असल में श्री गौरंग महाप्रभु की आरती गाते हैं जो कि नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। क्योंकि हमारे इष्ट देव है कौन? श्री गौरंग महाप्रभु। तो इसीलिए हमारे सारे अवतारों का मतलब ही क्या है, वास्तव में श्री गौरंग महाप्रभु। जैसे कि जो जो शिला मिली थी, जो कच्छप अवतार की जो शिला मिली थी भक्तिसा महाराज को, उनकी पूजा अर्चना करते, किसी ने पूछा उनसे कि हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो आप सॉरी नॉट कच्छप, कूर्म अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, यस, तो कूर्म शिला मिली, आप कूर्म शिला की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो भक्तिसा महाराज ने उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी कि वास्तव में ये कूर्म और कोई नहीं है, ये कूर्म है श्री गौरंग महाप्रभु, जो कूर्म का रूप ले लिया करते थे इन एक्सटेसी, प्रेमोन्माद में आकर के जो हुआ करते थे, तो तब वो कूर्म का जो रूप लेते थे, वो कूर्म की रूप की मैं उपासना करता हूं। उसी प्रकार से हम भी जो गाते हैं नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दायिने, तो हम उन गौरंग महाप्रभु की पूजा अर्चना करते हैं जो कि नरसिंह रूप में प्रकट हुए, क्योंकि वास्तव में इन्हीं का विस्तार है। क्योंकि वो व्यक्ति बोलता है लेकिन हम तो गाते हैं तब कर कमल वारे नख मधुभूत श्रृंगम तर दलित हिरण्य कक्षिपु तनुभृंगम, गौरंग महाप्रभु ने तो हिरण्य कक्षिपु का वध नहीं किया, लेकिन नरसिंह भगवान आ कैसे रहे, भगवान श्री कृष्ण से, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण है श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में। तो इसीलिए अगर उनको प्रकट होना होगा तो प्रकट हो जाएंगे वो फ्रॉम श्री गौरंग महाप्रभु ऑल्सो, श्री गौरंग महाप्रभु कैन एक्सपैंड एज लॉर्ड नरसिंहदेव। तो भगवान के प्राकट्य के लिए भगवान को किसी भी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं रहना होता, भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी मतलब कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान के कार्य भी दिव्य है, और विशेष रूप से नरसिंह भगवान आते हैं जब, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, उनका भाव यही है कि भक्तों की भक्ति की रक्षा हो, इस भाव से आते हैं। और हिरण्यकश्यपु वगैरह को माने ये तो आसान सी बात है, इसके लिए कोई, ये तो भगवान के लिए खेल है बेसिकली, ये जितने राक्षस वगैरह मारने होते हैं इट इज जस्ट फन, दैट्स इट, ये तो हम लोग टीवी सीरियल में देख रहे होते हैं कि उसमें जो है भगवान भी संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भगवान को पीछे कर रहा है, इसी में 36 एपिसोड तो इसमें निकल जाते हैं, बिकॉज इट इज सच अ कमर्शलाइज्ड वर्जन। तो भगवान के लिए राक्षस भगवान है, इट्स वेरी इजी। ऐसे एक समय तो भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को फाड़ के नहीं मारा, एक तो भाई फाड़ के मारेंगे, गोंदे लटाएंगे, गोंदे लटा कर फिर मारेंगे, एक बार उनको फाड़ के नहीं मारा, एक बार से कस के चपेट मारी खींच के, ओ झन्ना गया, पेशेंट डेड एक चपेट से। तो ऐसे नहीं, भगवान को फाड़ना ही पड़ेगा, फाड़ना ही पड़ेगा भगवान को, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार एक भक्त प्रार्थना करता है, भगवान जिस प्रकार से आपने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, भगवान इसी प्रकार से मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे हृदय के अंदर भी जो हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है इसको फाड़ दीजिए। तो उनके भक्त में एक और बगल में एक और भक्त था, कहता है प्रभु इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेयर करते हो कि भगवान जिस तरह से आपने हिरण्यकशिपु को फाड़ा वैसे आप मेरे हृदय में जो हिरण्यकशिपु है, जो भोग की भावना है उसको फाड़ दीजिए। या भगवान सिंपल,
जैसे आपने हृदय खुशबू को फाड़ा ना, मेरे को फाड़ दो। सिंपल, आप मेरे को फाड़ दो, मैं तर जाऊंगा। वाई मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड प्रेयर, जिस तरह से वो मेरे हृदय के अंदर घुस करके हृदय खुशबू पूछो, एक्सक्यूज मी, दैट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, वहां मेरे को फाड़ दो, फट जाऊंगा मैं, हो जाएगा मेरा। पर लेकिन भगवान को ये अगर हिरण्यकशिपु को मारना है, आ रहे हैं वो, तो भगवान चपेट मार के भी मार सकते हैं। कृष्ण के लिए जितने भी विलन भेजे मामा जी ने, बेसिकली मामा जी ने जितने भी राक्षस भेजे कंस मामा ने, भांजे को खिलौने पसंद नहीं आए, खिलौने तोड़ दिए। इट वॉज दैट इजी, भेजने वालों मामा जी ने जी आई जो बेटे को पसंद नहीं आया, जी आई जो को तोड़ दिया उसने। तो वैसे ही था पूतना, अगासुर, शक्टासुर, ये बेसिकली क्या है, खिलौने। मामा जी ने खिलौने भेजे, जाओ भांजे के पास, भांजे को पसंद दिया, भांजे ने तोड़ दिया, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए राक्षसों का वध करना ये भगवान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। भगवान तो परमात्मा रूप में हिरण्यकशिपु के हृदय पहले से ही है, भगवान परमात्मा रूप में नहीं उसके हृदय के अंदर, करना क्या उसके अंदर, बस उसका कलेजा दबाना उसका। तो एक दिन हिरण्यकशिपु, वो तो वैसे नहीं पढ़ लेंगे भाई साहब। तो ये सब आने जाने के लिए क्या क्या आवश्यकता भला। भगवान ये सारे कार्य ऐसे करते हैं क्यों, जीवेर कारण आशिया प्रपंच लीला कोयले सुविस्तार, जीवेर कारण आशिया प्रपंच लीला कोयले सुविस्तार, भगवान लीला करते हैं। लेकिन नरसिंह भगवान का भक्तों से बहुत अधिक प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है। जो हमारे ये उग्र नरसिंह देव है मायापुर के अंदर, इनको बनाने वाली जो शिला है ये बड़ी विशेष शिला होती है, वो जीवंत शिला होती है, जिसमें वज्र कीट अगर एक तरफ से जाए शिला में और दूसरी तरफ से निकल जाए, दैट इज जीवंत शिला, उनसे बनाए जाते हैं नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, तो एक बड़ा विशेष कारीगर मिला चाहिए, वो नरसिंह भगवान के बनाता भी है, विग्रह बनाता है। अब वो विग्रह बना रहा था, बनाते बनाते तैयार हो भी गए, बट ही वॉज रिलैक्स्ड, ठीक है बन गए हैं, एक दिन इसको मायापुर भेज देंगे इसको, और अपना रिलैक्स। वो देखा जिस झोपड़ी के अंदर नरसिंह भगवान के विग्रह उसने तैयार किए थे, वो झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में आग, कहते भाई ये गुस्से में आ चुके हैं, इनको भक्तों से मिलना है। वो तुरंत फोन किया, कहता भाई ये ठाकुर जी तैयार है, ले जाओ इनको, अभी मेरी झोपड़ी जलाई, पता नहीं क्या जला देंगे, ले जाओ। तो भक्तों ने तुरंत जो है फिर ट्रक का इस्तेमाल का बंदोबस्त किया, उनको लेकर क्या है वहां रेत वगैरह बिछाई। और जब भक्तों ने हाथ लगाया भगवान नरसिंह देव जी को, भगवान इज वेरी कूल, वेरी कूल, ज्वलंतम अज्वलंतम। तो एक कारीगर जो बहुत रिलैक्स हो रखा था, भाई कल परसों तरसों को भेज देंगे नरसिंह भगवान जी को, और क्या भगवान ने करना है, अब भी मतलब अब भी रियली, कैसे अब भी, कहते देख तेरी झोपड़ी बताता हूँ तेरे को मैं। सो देन इन दिस वे हमारे उग्र नरसिंह देव, हु इज वेरी ब्यूटिफुल एज वेल, नरसिंह देव वैसे बड़ा फेरोशियस फॉर्म है, बट हु कैन बी ब्यूटिफुल एंड फेरोशियस, ये टर्म कभी इस्तेमाल नहीं हुई, ही इज फेरोशियसली ब्यूटिफुल। ये क्या होता है भाई, यहां तो कोई फेरोशियस होता है या कोई ब्यूटीफुल होता है, ये व्यक्ति ब्यूटीफुल भी है और फेरोशियस भी है, वाह, दैट इज नरसिंह भगवान। एक समय श्री राधा गोविंद महाराज, उन्होंने एक नर्सिंग होम को देखा, तो लिखा था नर्सिंग होम। अब महाराज वेरी सिंपल, इज अ प्योर डिवोटी, सो ही डजंट नो ऑल ऑफ दिस। महाराज ने कहा क्या यह नरसिंह भगवान का यज्ञ होता है, होम, स्वाहा, ओम नरसिंहाय नमः। वक्त ने कहा नहीं महाराज, ये नर्सिंग होम है, तो यहाँ पर जो लोग बीमार होते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। कहते अच्छा अच्छा ये अस्पताल है क्या? हाँ जी महाराज, ये अस्पताल जैसा है महाराज। कहते ओ, ये नरसिंह भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तो नरसिंह होम जाना पड़ता है। तो भक्तों की भक्ति की रक्षा करने के लिए, और कहीं कहीं घाव हो गए हो तो उसकी नर्सिंग करने के लिए नरसिंह भगवान है। तो इसलिए बड़ा विशेष उत्सव है नरसिंह चतुर्दशी, भगवान प्राकट्य अपना कर रहे हैं विशेष रूप से भक्त के लिए, परित्राणाय साधुनाम, दैट्स द फर्स्ट पर्पस, और विनाश दुष्कृताम वो है सेकेंडरी पर्पस। तो भगवान इस प्रकार से आते हैं, तो इसलिए भगवान का प्राकट्य होना, इसमें हमें बहुत उत्साही होना चाहिए। और विशेष रूप से हमने देखा है जितना नरसिंह भगवान का प्रचार प्रसार इस्कॉन के द्वारा हुआ है उतना किसी के द्वारा नहीं हुआ। पूरी दुनिया में आज 7 continents में से 6 continents में नरसिंह आरती गाई जाती है, इससे पहले कभी नहीं हुआ इन द हिस्ट्री, दिस हैज हैपेंड बाय द मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद। ओके तो यहीं पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।